विशाख मास महत्तम अध्याय 27। हरे कृष्णा राधे राधे। विशाख मास महत्तम के अध्याय 26 में शंख मुनि और व्याद का संवाद सुन रहे थे, जिसमें विशाख महत्तम की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से हाथी और सिंह को शाप मुक्ति मिली। अब आज इस अध्याय में मुनि शंख व्याद को उसके पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। शुरू करते हैं। ऋषि शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के परांगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती और दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखिन ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से तुम्हें दस्त और वमन होने लगी और बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही। बाद में तुम्हारा सारा धन लेकर उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चले गए। तब तुम रोग से व्याकुलचित हो रोते हुए अपनी स्त्री से बोले, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूं। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोले, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेके दुख ना माने, लज्जा का अनुभव ना करे, मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष शेष समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात तुम्हारा मलमूत्र साफ करती और तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। वह ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। तुम्हारे दुख से संतप्त होकर वह दुखी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, हे प्रसिद्ध देवता और पितर, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंसे का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवे। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। विशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायकाल के समय तुम्हारे घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें सनिपात हो गया। ब्राह्मणी सौठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी, तब तुमने पत्नी की उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा सट गए
और ब्राह्मणी की उंगली का वह कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी तुम्हारे पथिक शरीर के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गांठ लिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया, इससे उसको योगी गम में परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में असक्त हो सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी, उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषय प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाली मुनि के चरणोदक को सर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ, तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। मुनि शंख की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, अपने पिछले जन्म का वृतांत सुन मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, पर साथ ही वैशाख महत्तम सुनकर मुझे सुख भी मिल रहा है। हे ब्राह्मण देव, अपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख युक्त धर्म भगवान विष्णु के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वह भगवान विष्णु कैसे हैं? उनके लक्षण परिणाम क्या है? कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं? विशाल धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? यह सब मुझे बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्यास सुन, मैं भगवान विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूं। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान से नहीं जाता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आशय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूं, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार अवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृद्धि होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य ही है। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत, ये विष्णु भगवान के आत्मरूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महत्तम सतिशाय होता है। विशाख महामहत्तम अध्याय 27 संपूर्ण। कल अध्याय 28 में आगे की कथा सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा। हमें सिर्फ नाम जाप करके ही शक्ति भक्ति मुक्ति मिल सकती है, इसलिए प्रेम से मन से भाव से नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।